वत्सप्री के द्वारा कृजुम्भ का वध तथा उसका मुदावती के साथ विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी का मुख सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजा ने सोचा, यह भयंकर गर्त क्या है? मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं जान पड़ता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहाँ सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और निकट आने पर उनसे पूछा, यह क्या है? यह गर्त बहुत ही गहरा है, इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को जृंभित कर देता है, इसलिए उसे कृजुम्भ कहते हैं। नरेश्वर, वह पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मूसल उस दुष्टात्मा ने हड़प लिया है। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार करता है। पाताल के अंदर रहकर वह मूसल से ही इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए द्वार बना लेता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल छू ले तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु दूसरे दिन फिर पूर्ववत प्रबल हो जाता है। युवती की अंगुलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। भूपाल, आपके नगर के समीप ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? इतना कहकर ब्रह्मर्षि सुव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेत्ता मंत्रियों से परामर्श किया और कृजुम्भ के विषय में जो कुछ सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। तदनंतर कुछ दिनों के बाद कृजुम्भ ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से हर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे, कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाओ। उस दानव ने निर्विंद्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के मार्ग से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुँचे और कृजुम्भ से युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड्ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा। फिर माया के बली दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा, जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लाएगा उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। भनंदन के पुत्र वत्सप्रिय ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्या को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तदनंतर वीर वत्सप्रिय खड्ग और धनुष ले अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल में गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानव राज कृजुम्भ अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी।
एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतःपुर में रहता था और गंध माला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी, अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में ले तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भर कर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार किया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व राज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्री ने उस दैत्य को मार कर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृशांगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त किया। कृजंभ के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया। अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उच्च स्वर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो तुम जामाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आईं। अतः आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या का पाणी ग्रहण करो। यूं कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नव युवक वत्सप्री मुदावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता भनंदन वन में चले गए और वत्सप्री राजा हुआ। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी भय नहीं था।